यासिन को मैं कहती रहती हूँ व्लॉग बनाए व्लॉग बनाए, ये बनाते ही नहीं, वो कहते हैं व्यूज इतने ढोन आते हैं तो मेरा दिल ही नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू व जन्नतुल हलाल व रज़क़ुल हराम। क्या लेवल, ठीक हैं, खुश हैं भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। सबसे पहले तो भाई जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, और इसके अलावा भाई काफ़ी देर बाद मैं आई थिंक 2-3 दिन बाद व्लॉग अपलोड करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे व्यूज़ ही इतने कम आ रहे थे, भाई दिल ही नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि भाई इतनी मेहनत लगती है भाई, इतनी सुबह से लेके शाम तक व्लॉग बनाना, और उसके बाद भाई जब अपलोड करें तो व्यूज़ ना आए ना बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, व्लॉग अपलोड करता हूँ भाई, जितने मेरे से मोहब्बत करते हैं और जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं लोग, ठीक है, तो भाई उनके लिए व्लॉग अपलोड करूँ, वो देखेंगे वही खुश होंगे, ठीक है। तो बाकी बस भाई आज का व्लॉग जो है ना भाई जल्दी से करते हैं शुरू, और जो है ना भाई आज गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बाकी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज इफ्तारी में क्या बन रहा है? हांडी कबाब। हांडी कबाब, ओके। ये कीमे के बन रहा है? यस, कीमे। ओके, ये मटन है? बीफ। ये बीफ है। ओके, इसको सबसे पहले वॉश करके हमने फ्रीज किया हुआ था, लेकिन फ्रीज जो किया हुआ था ना उसमें फिर पानी आ जाता है। जी जी। इसको वॉश करके ना, जी जी, तो अब इसका पानी निकाल रहे हैं। ओके। इसका पानी ऐसे निकाल रहे हैं क्योंकि कबाब में अगर पानी होगा ना तो कबाब जुड़ेंगे नहीं। हाँ जी। इसका सबसे पहले पानी निकाल रहे हैं। ओके, पानी निकाल के फिर भाई इसको मतलब ड्राई कर देना है किस्म का? हाँ, ड्राई करके ना, तो फिर इस तरह रख रहे हैं। ओके, फिर बाकी जो इसकी रेसिपी है वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं। ओके ओके, हांडी कबाब, हांडी कबाब की। ओके, इधर लाए वाइफ जी, क्या वक्तों में परी हुई हैं, एक कितनी देर हो गया, हो ही नहीं रहा आप, ये देखें इधर ला। मैं आराम, और इधर ये हमने ले लिए ब्रेड, ये ब्रेड लिए हमने, इसके 4 स्लाइसेस लिए हैं, इसको जो है ना वो ग्राइंड कर लिए, ये हमने ड्राई कर लिए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे, ये प्याज जो है ना ये चॉप हो जाएगी, इसका पानी निकाल के इसको ऐड करेंगे, प्याज का भी पानी निकाल लेना है ताकि वो भी पानी ना छोड़े बाद में। इससे क्या होगा कि आपके जो कबाब है ना वो अच्छे से जुड़ जाएंगे। हो गया, हो गया, ये देखो बड़ी स्पीड लगाई है। यहाँ पे प्याज हमारा चॉप हो गया, अब हम इसका भी पानी निकाल लेंगे जैसे हमने इसका निकाला है। इसको वैसे और भी तरीके हैं पानी निकालने के, जैसे वो कपड़े में लेके जी जी, वैसे भी निकल जाता है, लेकिन हम ऐसे ही निकाल, जैसे हमने प्याज को चॉप किया ऐसे ये मिर्ची ले ली है, इनको भी चॉप कर लेते हैं। ये पानी निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। पानी बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मैं शादी से पहले जब बना रही थी ना तो इसका पानी जो है मैंने बालों में लगाया था, एलोवेरा और वो जो होता है कैस्टर ऑयल ऐड करके, तो बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया था। प्याज और एलोवेरा, अच्छा अच्छा, और कैस्टर ऑयल एक एक चम्मच तीनों का, और इसके जो बालों के जो जड़े हैं ना उनमें लगाने, मजबूत हो जाएंगी जड़। हाँ सही है। वो भी बता दिए, टिप्स भी दे दिए हैं। हाँ, आज के ब्लॉग में भाई हेयर्स की भी टिप्स बता दिए हैं। हाँ। आपके हेयर्स का वॉल्यूम जो है ना भाई कैसा, अगर रफ हैं बाल जी जी, तो भी बाल जो है बहुत अच्छे हैं ना। व्यूअर्स, बालों के बारे में कुछ बताएं, हेयर केयर के बारे में कुछ बताएं, तो अम्मी से भी पूछ के बताएंगे जी जी। तो इसके अलावा अगर आपके व्यूअर्स ने कुछ पूछा तो बाल पूछ सकते हैं। बाल अगर ड्राई हो ना तो उसके लिए वो चावलों का जो पानी होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। नहाने से पहले उसको 2 घंटे लगा लें, स्मूथ बाल हो जाएंगे। चावलों का पानी तो फेस के लिए भी, फेस के लिए भी अच्छा, अच्छा होता है, वो स्प्रे में डालो, स्प्रे वाली बोतल में, तो डेली सुबह उठ के फेस पे डालो, वो भी बहुत अच्छा। अच्छा, गुड हो गया भाई, स्किन बहुत फ्रेश हो जाए। एक प्याज ऐड करके और आधा कप चावल ऐड करके ना इसको अच्छे से बॉईल करके, इसको छान के ना इसका पानी जो है ना वो रोज़ वाटर वाली या स्प्रे बॉटल में इसमें डाल के ना, तो डेली आप अपने बालों में करके ना सर धोने बाल बहुत अच्छे हो जाए। इसके लिए ना मेहनत की ज़रूरत होती है, जो कि पता सब कुछ है लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते। ये हमने चॉप कर लिए सबज में, ये भी हम ऐड कर देंगे।
और अब इसमें एक अंडा ऐड कर देंगे। ओके, इसमें भाई कीमा ऐड किया ड्राई करके, प्याज भी ड्राई किया, प्याज करके ऐड किया, और प्याज का पानी निकाली और ये हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर लिया। उसके अलावा इसमें जाएगा अंडा। ओके, हम इसको तोड़ लेंगे। रीता का मुझे फर्स्ट डे वाला ऑमलेट याद आ गया, वो उसका व्लॉग भी बना हुआ है। आप सबने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। हाँ, चीना भाजी भी दे रही थी। चीना भाजी आपके व्यूअर्स को पता है कौन है? नरीन भाजी, लाइफ स्टाइल विद नरीन जो है ना, वो थी यहाँ पे। तो फर्स्ट डे था मेरा, तो फर्स्ट डे किचन में फर्स्ट डे था। तो यासी ने मुझे कहा कि मुझे ना फ्राई अंडा बना के दो। हाँ जी। मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, चीना बाजी भी खड़ी होगी, यासीन भी खड़े हो गए, भाभी भी खड़ी होगी, सब खड़े हो गए ना। हाँ। तो मुझे कैमरे ऑन कर लिए। हाँ, कैमरे ऑन कर लिए। मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैंने अंडा तोड़ा तो मैंने ना इधर मतलब काफी ऊपर, हाँ, ऑयल गर्म हो गया हुआ था। मैंने इधर से मतलब तवे पे डाला, मैंने इतनी ऊंचाई से ना फेंका अंडा इस वो तरह उसका तोड़ के, ऐसे पटाका चल गया। वो पटाका चला तो सब डर गए, सब कहते हैं ये किस ये किस तरह से तोड़ा गया। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, एक चम्मच। ओके, इसमें सूखी मिर्च आएगी एक चम्मच, एक चम्मच दादर मिर्च आएगी, एक चम्मच दादर मिर्च, हल्दी हल्दी आधा चम्मच, और गरम मसाला आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया, सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, इसके अलावा नमक पाउडर, नमक एक चम्मच, ठीक है ये नॉर्मल साइज में। अब इसमें हम लोग ये जो ब्रेड वो ऐड कर देंगे। ओके ओके, ये ब्रेड के क्रम्स बनाए हैं आपने? क्रम्स बनाए हैं ये वैसे okay, चार स्लाइसेस है, चार से पांच, वो भी स्लाइसेस में नहीं था, हमने जो अपने बनाते हैं ना सैंडविच जी जी, उसके जो साइड से हम लोग उसको हम लोग वेस्ट नहीं करते, इसी तरह से यूज कर लेते हैं। और इसमें जो है ना तीन ब्रेड की आप अगर ब्रेड ले रहे हैं उनके स्लाइस जो है ना ऐड कर दें, तीन ब्रेड के। तो ये बहुत मजेदार से कबाब रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेसिपी जरूर नोट करिएगा, स्किप नहीं करना, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, इतने तो, कम आ रहे हैं भाई, मैं व्लॉग नहीं बना, दिल ही नहीं कर रहा व्लॉग बनाने को ना, इतने कम व्यूज आ रहे हैं। तो आप सब फुल वीडियो वॉच किया करें जी जी, तो अच्छे व्यूज आएंगे तो फिर हम भी मोटिवेट होते हैं, फिर हम ज्यादा सी रेसिपीज अच्छी अच्छी आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यासिन को मैं कहती रहती हूँ व्लॉग बनाए व्लॉग बनाए, ये बनाते ही नहीं, वो कहते हैं व्यूज इतने डाउन आते हैं। हाँ, तो मेरा दिल ही नहीं करता। मैंने सोचा भाई आज ना जो मतलब व्यूअर्स हमें देखते हैं जो कमेंट्स करते हैं वही क्यों ना उनके लिए बनाया जाए व्लॉग। ठीक है, हाँ, जो देखते हैं उनके लिए तो होनी चाहिए ना, तो उनके लिए हमने ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे, हाँ, इससे टेस्ट दोबारा हो जाएगा। माशाल्लाह। तो अगर व्यूज अच्छे आएंगे ना तो फिर हम डेली मोटिवेट होंगे, तो फिर हम अच्छी अच्छी रेसिपीज और शेयर करेंगे आपके साथ। तो फुल वॉच किया करें वीडियो को, अच्छे अच्छे व्यूज आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, जो है ना वो शॉपिंग में मसरूफ है क्योंकि जाहिर है लास्ट ईयर की शॉपिंग वगैरह में, इसलिए मेरा ख्याल कोई शॉपिंग पे गया हुआ है कोई मतलब ये अच्छा है ना। दरअसल और इफ्तारियां भी चल रही होती हैं लास्ट पे आके, दरअसल ना मतलब कि टाइम का भी सही से पता नहीं चल रहा ना। हाँ, किस टाइम व्यूअर्स फ्री होते हैं। हाँ, मेरा टाइम काफी ज्यादा चेंज हुआ है, मैं पहले मतलब 11 बजे लगा रहा था, मॉर्निंग में लगा रहे थे आप, अब नाइट में लगा रहे हैं। हां जी, नाइट में लगा रहा हूं। तो अभी फिर मैंने ट्राई की थी, फिर मैंने मॉर्निंग में, मतलब टाइम का मुझे समझ नहीं आ रही सही से ना। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, व्यूअर्स से भी मैंने पूछा था भाई टाइम बताएं। हाँ जी, लेकिन वही व्यूअर्स एक ही शॉपिंग करने के लिए। तो इसके अलावा आप सैंडविच की रेसिपी पूछ रहे थे कि सैंडविच कैसे बनाते हैं, तो वो भी अब जिस दिन बनाएंगे हम आपको देंगे रेसिपी, जो लास्ट टाइम बनाए ना। हाँ, जो लास्ट टाइम बनाए थे थ्री लेयर्स वाले, हाँ, तो वो वाली इसकी रेसिपी देंगी भाभी। और इसके अलावा जो भी आपने रेसिपी पूछनी है तो हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ते हैं रीड करते हैं सब, तो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे इंशाल्लाह। इसमें अभी एक चीज़ स्किप है। कौन सी चीज़? भूल रहे थे रोज़े की वजह से, इसमें चने का पेस्ट ऐड करना है। हाँ। वो मिस है, मैं चने का पेस्ट ये रह जाने लगा था। ये भाई हम ये कौन से चने का पेस्ट है? ये चने में वो जो भुजे हुए चने, हाँ, भुने हुए चने जो होते हैं ना, ये उसका पेस्ट है। हाँ जी। तो ये भी उतार लेने अगर छिलको वाला, नहीं तो मतलब वैसे भी छिलके उतरे हुए भी मिल जाते हैं, इसका पेस्ट बना के हमने रखा हुआ है। इसमें ये दो चम्मच ऐड कर देंगे।
अच्छा, ये ब्रेड और ये चने का पेस्ट इसलिए डलता है, जो इसमें पानी है ना उसकी वजह से हमारा कबाब जो है ना वो टूटते नहीं। अगर आप कभी चपली कबाब बना रहे हैं या कोई भी कबाब बना रहे हैं। अच्छा, वैसे मतलब इसके मतलब चपली को आप भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। इसमें ये मतलब किसी भी कबाब में आप लोग ना ऐड कर सकते हैं ब्रेड, अगर आपके कबाब टूट रहे हों तो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके फिर प्यारी सी शेप दे देंगे। इसलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना वो अंदर तक चले जाए कि मिलके। और जब इस तरह से आपका मटेरियल हो जाए फिर आप इसके कबाब रेडी कर लें। ओके भैया, अब इसके कबाब रेडी करेंगे। बाकी ये जो हमारा मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसके भाई कैसे करने हैं कबाब रेडी? वो अपने तरह से थोड़ा सा ले लेना हाथ में। ओके, ये बॉल्स बनाए जाने हैं। ओके ओके, बॉल्स बनाने की शेप देनी है कोफ्तों की तरह। हाँ जैसे अंडे की शेप होती है ना। जी जी, अंडे शेप आप वैसे कोई भी दे सकते हैं, लेकिन अंडे नहीं, अंडे की शेप नहीं, ये मतलब वो थोड़ी सी अच्छा अच्छा ठीक है ना, ये गोल शेप दे देनी है इसको। चले भैया, अभी जल्दी से आपको ये बना के फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, भाई हमारे भाई हांडी कबाब के लिए ना जो भाई कबाब है ना वो रेडी हैं। तो अब इसे क्या करेंगे? अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले। okay. और फिर इसके लिए हांडी कबाब के इसका मसाला बनाएंगे। इसका मसाला रेडी करके इसको फ्राई करना है। okay. फ्राई करने के बाद उस मसाले में ऐड कर देना है। जब आपका मसाला रेडी हो जाएगा वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह। कबाब हमने निकाल दिए, ये हम फ्रीज कर देते हैं और ये हम फ्राई कर लेते हैं क्योंकि सारे खाए नहीं जाते रमजान में, वो थोड़ा सा खाया जाता है। ऑयल नहीं है, मेरा प्याज जल जाएगा। ऑयल खत्म हो गया है तो यासीन प्याज चाहिए, वो प्याज चाहिए, चाहिए ये जल्दी से खोल के दें। ओके ओके, एक सेकंड, प्याज जल जाएगा, जल्दी करें। ओके, रेड ऑयल, ये यासीन हमें ऑयल निकाल के दे रहे हैं, जल्दी दे दें जल्दी, थैंक यू। और ये अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। वैसे ये अमूमन अक्सर घरों में होता है, ऑयल की जो बॉटल होती है ना वो टेढ़ी कर दी जाती है। हमारे घर भी ऐसे हुआ है और ये पता भी नहीं चलता है कैसी हो जाती है, वो जरा सी हीट पड़ती है या फिर ना ऑयल चेंज करते रहते हैं और हीट लग जाती है, जरा सी वो टेढ़ी हो जाती है। जब इसमें डालते हैं ना चूल्हे का जो होता है ना, मेरे ख्याल से इधर अगर कहीं पड़ी रह जाए, हालांकि नहीं रखती है मोमन, एक दफा तो मामा गुस्से से कहते हैं अब टेढ़ी यूज करते हो, मैंने लाके नहीं, तो हमने भी नहीं ना चेंज की, हमने भी टेढ़ी यूज करे, लेकिन ले आएंगे वो जग मिलता है ना ऑयल जग, वो ले आएंगे। तो ये जी हमने ऑयल डाल दिया, डालडा में बनेंगे कबाब। ये हमारा ऑयल जो है ये गरम हो गया। ओके। अब हम इसमें कबाब ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल जो है ना वो गरम नहीं करना है, ठीक और है। फिर बाद में जो आंच है ना वो भी थोड़ी सी हल्की कर देंगे ताकि जो कबाब है अंदर तक फ्राई हो जाए, सिर्फ ऊपर से ना जाए, साथ साथ हमारा जो है मसाला रेडी हो रहा है। जब प्याज आपका हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। ओके, ये कबाब आप ऐसे भी फ्राई करके मायोनीज केचप वगैरह के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, मजे के बनते हैं। अगर आप मतलब इसका सालन बना जाए, जैसे मुझे भी सालन इतना ज्यादा पसंद है, मैं कबाब ऐसे ज्यादा खाती हूँ। सो व्यूअर्स, भाई यहाँ हमारे कबाब जो है ना फ्राई हो रहे हैं और यहाँ मसाला रेडी हो रहा था, ठीक है। प्याज ब्राउन हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे एक चम्मच, फिर इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा प्याज, हमारे कबाब, सब कुछ हमारा, सब कुछ हमारा, हमारा तो हमारे टमाटर, टमाटर इसके बाद ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। ओके, लहसुन का पेस्ट इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना वरना स्मेल हो जाती है। ओके ओके, फिर हम इसमें ये ऐड कर देंगे। चले भाई, ये हमने इसमें डाल दिया है टमाटर, हरे मिर्च, ये हमारी जो है फेस वाली, फेस वाला टमाटर था हमने फेस किया हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे से हम कर लेंगे।
भून लेंगे और इसका जब ये अलग हो जाएगा ना पानी छोड़ जाएगा टमाटर, फिर इसमें जो है ना नमक मिर्च ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अब हमारा टमाटर जो है ना अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमारा हमारा टमाटर क्या हर चीज में हम कह रहे हैं ना, हमारा प्याज ब्राउन हो गया, हमारी ये मिर्चे हम डालने लगे, हमारे भाई तरह से बात अगर हम इस तरह कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ अब हमारा टमाटर जो है ना वो भी मिक्स हो गया। तो बात यह है टमाटर हम लेके आए तो टमाटर हमारे हो गए, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से हम कह रहे हैं भाई तो हमारे व्यूअर्स लेके आएंगे तो वो टमाटर उनका होगा, तो ये हमारा प्याज हमारी मिर्चे हमारा टमाटर मिक्स हो रहा है अच्छे से, तो ये मिक्स हो जाता है तो फिर हम इसमें नमक मिर्च ऐड कर देंगे। चले भाई किधर तक पहुँचा अभी? ये हमारे कबाब बस हो जाने लगे हैं ओके रेडी, और उधर उसका मसाला भी रेडी हो रहा है, नमक मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए वाह 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 वाह, बस ये अब निकालते हैं थोड़ी देर में। ओके अच्छा रोज़ा के वाह 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 भी नहीं निकल रही सही से? हाँ रोज़ा बहुत लगता है आजकल, हाँ जी मौसम भी वो ठंडा हो गया, दो से तीन दफ़ा इधर उधर गई हूँ ना तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, रोज़ा लग रहा है, मिस्टेक जो होती है ना मैं इग्नोर कर दी इग्नोर कर रहा हूँ, वैसे आप सबके साथ भी इस तरह होता होगा जाहिर सी बात है, जैसे हमारे साथ हो रहा है कि हम मिल गए और आज भी लोग बनाते हुए ना सब ने उसको बोला स्टॉप पहले हम स्पाइसेस दिखा लें क्या क्या ऐड करें, सुर्ख मिर्च और दादर मिर्च तकरीबन आधा आधा चम्मच, क्योंकि हमें सिर्फ मसाले के लिए चाहिए, कबाब में ऑलरेडी जो है ना स्पाइसेस हैं, आधा चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा और आधा चम्मच गरम मसाला बस, और अभी हमने इसमें नमक भी ऐड किया वो ऐड कर लेंगे भूलना नहीं, नमक कितना ऐड करना, नमक आधा चम्मच बस, क्योंकि हमने इसमें भी ऐड किया ना सब कुछ, तो आधा चम्मच नमक जो है वो ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम नमक ऐड कर लें, फिर यासिन साहब की हम बात सुनते हैं। ओके मैं कहने लगी थी कि यासिन कोई 10 बार अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं आप तो साथ ही ना बाइक से कोई ना कोई आवाज़ आने लग जाती है, तो या फिर ना खुद ही उन्होंने रोज़ा रखा होता है खुद ही कुछ बोलना कुछ होता है बोल कुछ देते हैं वर्ड ना, मैं इसका मतलब ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ। हाँ तो फिर भी व्यूज़ ना आए तो अच्छी बात तो नहीं है ना भाई, मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ कभी बाहर से कोई आ गया, क्योंकि पाकिस्तान है साइड आ रहा है, पाकिस्तान में कभी कोई आ रहा है कभी, मतलब पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान के शहरों में, ठीक है गली मोहल्ले में भाई कभी कोई आ रहा है कभी कोई, ठीक है तो इस वजह से ना मतलब मैं चाहता हूँ भाई व्यूअर्स को ना मेरी आवाज़ क्लियर मिले, ठीक है तो ताकि व्यूअर्स जो है भाई बोलेंगे भाई वाह 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 वाह, ऐसी आवाज़ सही ना आए तो फिर सब कहते हैं कि आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, तो इसलिए यासिन बड़ी मेहनत करते हैं, यासिन के साथ साथ हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं तो इसलिए व्यूज तो अच्छे आने बनते हैं। मैंने अपना व्लॉग शुरू किया तो बाकी सब काम का ही होता है, तो मिलके हम मेहनत कर रहे हैं तो आप सब सपोर्ट करें, तो चले आए चलते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ, रेडी हो गए हैं ये मज़ेदार से हमारे कबाब ये हमारा मसाला रेडी हो गया, इसमें हल्का हल्का सा पानी है ना, अब हम इसमें डाल देंगे ये कबाब, इसमें रख के इसको दम लगाएंगे तब तक इसका जो पानी है ना वो भी खत्म हो जाएगा और जो टेस्ट है मसाले का वो कबाब के अंदर आ जाएगा। ओके अब हम इसे दम लगा देंगे भाई हल्की आंच करके, ओके फिर हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। धनिया हाँ फिर हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। ओके अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, देखें माशाल्लाह से मोमिन की मामा आई हैं, चलें भाई आज हमारे घर इफ्तार पे। ओके गुड हो गया भाई, ये तो बड़ी बहुत खुशी की बात है।
पाँच मिनट का दम लगा दिया था, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, पानी जो है वो खत्म हो गया। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। मिल गई है ये हमारी गुंगी थी, ये ना इसलिए हम इसको इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे थे क्योंकि ये तेज है, तो दूसरी वाली इतनी तेज नहीं है, तो ये तेज है तो हमें ये चाहिए, हमें ये पसंद थी और हमें लग रहा था हमने शायद बास्केट में, लेकिन ये सिंक नहीं थी तो मुझे मिल गई। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। ओके, थोड़ा सा धनिया बचा लेंगे इसको जब हम छोड़ कर आएंगे, तब ये काम बंद कर देंगे, कंप्लीट होगी ये, कंप्लीट। ओके अच्छा भाई, अब यहाँ बनने लगे हैं भाई, ये बन रहे हैं पकौड़ेज और भाई ये बन रहे हैं फ्राइज। ठीक है, गुड हो गया। तो भाई तब तक माँ जी मुझे कह रही हैं कि भाई जल्दी से जाओ और जाके ना भाई बाहर से ले आओ रोटियाँ, और माँ जी रोटियाँ और क्या लेके आने हैं? समोसे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप सुनाए, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे। आमीन। सब दुआ करना, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। जी जी। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे और कामयाबी और कामरानियां अता फरमाए, रिज़्क में बरकत दे, रोजी में बरकत दे, और 1000 रुपया यासीन को मैं दे रही हूँ। वाह 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 वाह, वेरी गुड हो गया। बाकी बस भाई माँ जी की तरफ से सबको ढेरों सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। जो जो जिस जिस दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह ताला सबकी नई ख्वाहिशें पूरी करे। आमीन। अब जल्दी से मैं जाता हूँ और माँ जी के कहने पे भाई रोटियां लेके आता हूँ और समोसे लेके आता हूँ। सो भाई ये रोटियां आ गई और ये समोसे आ गए, ठीक है, चिकन वाले और आलू वाले। ओके भाई जी बोलें, रोज़ा लग रहा है? हाँ बहुत रोज़ा लग रहा है। ओके ओके, टाइम भी थोड़ा रह गया ना। और भाई यहाँ ना मोमिन इफ्तारी का वेट करते हुए कह रहा भाई, कह रहा जल्दी लेके आओ भाई, जल्दी जल्दी लेके आओ। और भाई यहाँ बन रहे हैं मज़ेदार से पकौड़े, क्या कह रहे मोमिन जी? भाई सुबह भाई टाइम जो है ना बिल्कुल कम रह गया, और ये भाई मेन चीज ये है हांडी कबाब, क्या ही कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ज़रूर ट्राई करना। हाँ जी माँ जी कैसे बने हांडी कबाब? जी जी रेसिपी दी है, माशाल्लाह अच्छे बने हैं ना, देखने से ही पता चल रहा है भाई बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह। ठीक है, बाकी भाई पकौड़े हैं एंड मैक्रोनी है, ये समोसे हैं, चिकन समोसे, आलू वाले समोसे, चाट और बिरयानी अभी गर्म हो रही है, और फ्राइज़ भी हैं, और साथ हमारे मोमिन भी हैं, मोमिन। सोबर्स भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इफ्तारी कर ली है, तो बाकी भैया उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।